हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जो पिछली क्लास से जुड़ा हुआ है। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता को हमने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदु हमारे बचे हुए थे जिनको आज नए सिरे से देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरह होती है, इसका नामकरण किस आधार पर रखा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, और इसका जो काल है यानी काल निर्धारण कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया वो देखा। इसके जो निर्माता थे यानी सभ्यता के निर्माता हैं या कौन कौन सी प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं उसके बारे में हमने देखा था। आगे हमने देखा था कि इसका उद्भव कैसे होता है, और इस उद्भव के पीछे हमने दो विचार देखे थे, दो विचारधाराएँ देखी थी, एक स्थानीय और एक विदेशी, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था इसके जो और बिंदु हैं, जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इस सभ्यता की, इस सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, और अंत में हमने देखा था कि इसका पतन किस प्रकार से होता है। तो इन्हीं बिंदुओं में से हमारे कुछ बिंदु बचे हुए थे, जैसे मान लीजिए इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं, और अंत में पतन किस प्रकार से होता है। तो जो बचे हुए बिंदु हैं जिनके ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के ऊपर, ठीक है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, ये हमारा बिंदु है। और इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, उनको भी हम अलग अलग बिंदुओं में तोड़ करके देखेंगे तो समझने में क्या होगा, आसानी होगी। जैसे इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता है, व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, और इसकी अपनी स्वयं की एक लिपि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाद में देखेंगे यहाँ की जो समाज की विशेषताएं हैं उसको देखेंगे, यहाँ का जो राजनीतिक जीवन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे, यहाँ का धर्म एवं इनकी जो आस्था है उसके बारे में देखेंगे, और अंत में यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है या कृषि कार्य जो ये लोग करते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। जब इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ के जीवन की जो विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसके बारे में, और इस सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली या यहाँ का जो नगरीय जीवन है वो। तो बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है या हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन था उस समय का, उसके बारे में चर्चा करते हैं किस तरीके से उन्होंने नगरों की बसावट की थी, उनके अंदर क्या क्या उन्होंने सुविधाएं दी थी, या आज का जो आधुनिक शहरीकरण है उसके
समतुल्य वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। विश्व के अगर मान लीजिए दूसरी सभ्यताओं में ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। नंबर एक है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। अब अगर नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ का जो नगर नियोजन है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक तो क्या है कि जो नगरों की बसावट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक जो आवास बने हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ की जो नगर हैं उनकी बसावटों के बारे में। नगर नियोजन या जो नगरों की बसावट है उसकी बात करें तो ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। जैसे अगर चित्र के माध्यम से देखें तो मान लीजिए ये कोई हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल। अब इसमें जो आवास बने हुए हैं वो मोटे तौर पर क्या है कि ये जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, इस क्षेत्र में एक दुर्ग बना हुआ है। दुर्ग या इसको शासक वर्ग का आवास भी कह सकते हैं। यानी जैसे हम इस आवासीय क्षेत्र को पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इस तरीके से देखें तो जो पश्चिमी भाग है उसके ऊपरी भाग में एक दुर्गीकृत टाइप का या एक ऊंचे स्थान के ऊपर आवास बना हुआ है और उसके चारों तरफ क्या है, दीवार बनी हुई है। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जैसे मान लीजिए ये आवास बने हुए हैं और चारों तरफ क्या किया हुआ है, इसके ऊपर दीवार बनाई हुई है। तो इतिहासकारों का अनुमान है कि ये शासक वर्ग का आवास रहा होगा या जो वहाँ का उच्च वर्ग था उसका आवास रहा होगा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ सुरक्षा के मापदंड स्थापित किए गए होंगे और इनको सुरक्षा के घेरे में रखा गया होगा। अब अगर दूसरे आवासों की बात करें तो जो पूर्वी भाग है उसमें निचले स्तर के ऊपर दूसरी तरह के आवास पाए गए हैं जिनको सामान्य वर्ग का आवास कह सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो एक जो हड़प्पा सभ्यता के आवासीय स्थल थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक पश्चिमी भाग के ऊपरी भाग में जो शासक वर्ग का निवास था और एक पूर्वी भाग के निचले हिस्से में सामान्य वर्ग का निवास स्थान था। लेकिन जो सामान्य वर्ग के आवास थे उनको किसी सुरक्षा घेरे में या दीवार के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया गया है। कुछ उदाहरण हैं जो थोड़ा हटके हैं। जैसे मान लीजिए बात करें कुछ स्थलों की, जैसे मान लीजिए कालीबंगा है तो इसका जो आवास है, आवासीय जो क्षेत्र है उसमें दोनों क्षेत्रों को सुरक्षा दीवार के माध्यम से घेरा गया है, सुरक्षा दीवार बनाई गई है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये आवासीय स्थल हैं उसमें ये वाला भाग भी जो शासक वर्ग का है वो भी सुरक्षा घेरे में है और ये वाला भाग जो सामान्य आवास के लिए है ये भी सुरक्षा घेरे में है। ये कालीबंगा की स्थिति है। और जैसे लोथल है तो लोथल के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि किसी तरह का विभाजन नहीं है, यानी यहाँ पर विभाजन देखने को नहीं मिलता है शासक वर्ग का और सामान्य वर्ग का।
यहाँ भेद दिखाई नहीं देता है, सभी लोग एक जैसी स्थिति में रहते थे। अब अगर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा के अंतर्गत अगर हम देखें धोलावीरा के अगर अंतर्गत हम देखें तो यहां पर क्या है, जो आवासीय स्थल हैं वो तीन भागों में बटे हुए थे, यानी जो विभाजन है यहां का, जो आवासीय विभाजन है वो तीन भागों में देखने को मिलता है। तीन भागों में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से वहां के जो आवासीय स्थल बने हुए थे उनके बारे में अगर चर्चा की जाए या उनको समझने का प्रयास किया जाए, तो मोटे तौर पर जो आवास बने हुए थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक शासक वर्ग के लिए जो किसी चबूतरे के ऊपर या उच्च स्थान के ऊपर बनाया गया था और उसको सुरक्षा घेरे में रखा गया था, दीवार बनाई गई थी, और एक निचले हिस्से के ऊपर सामान्य आवास बने हुए थे जिनके चारों तरफ किसी प्रकार की सुरक्षा घेरा नहीं था या फिर उनके चारों तरफ दीवार नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो ये तो था वहाँ का जो आवासीय स्थल है उसके बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सड़कें बनी हुई थी उनके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ की सड़कों की अगर बात करें तो सड़कें क्या हैं, जैसे आधुनिक हम सड़कों के बारे में देखते हैं या शहरों के अंदर जो सड़कें देखते हैं उस तरह की वहाँ पर सड़क प्रणाली देखने को मिलती है। यानी सड़कें क्या हैं, जो मुख्य स्थल हैं, मुख्य स्थलों पर समकोण में काटती हैं। यानी यहां पर जो सड़कें बनी हुई थी वो मुख्य मुख्य स्थलों पर होता क्या था, समकोण के ऊपर काटती थी, जैसा हम आजकल के शहरों में या आधुनिक जो नगरीकरण है उसे उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर यहाँ के जो आवास बने हुए थे उनके बारे में चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए हमने सड़कों के बारे में बात की कि ये सड़कें समकोण पर काटती हैं इस तरीके से, ये मान लीजिए सड़कें हैं और ये समकोण के ऊपर काट रही हैं। अब होता क्या था, अगर यहाँ के आवासों की बात करें तो इस तरीके से आवास बने हुए थे अंदर की तरफ में देखें तो सड़कों के, मतलब अंदरूनी भाग, जैसे आजकल आधुनिक शहरों में हम देखते हैं कि सड़क है, चारों तरफ सड़क है समकोण पे काटती हुई और बीच में आवास बने हुए हैं, तो उसी तरह का शहरीकरण हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर विशेष क्या है कि जो मकान हैं उनके दरवाजे खुलते हैं अंदर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, तो ये दरवाज़ा हो गया और खिड़की होती थी, इनकी जो खिड़की है ये सड़क की तरफ खुलती थी, खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। ठीक है, आवास बने हुए हैं और आवासों में जो दरवाजे हैं वो अंदर की तरफ खुल रहे हैं और जो सड़क है खिड़की है वो बाहर की तरफ यानी सड़क की तरफ झांकती हुई खुलती है। और विशेष बात क्या है कि जैसे ये मकान बना हुआ है तो इसके अंदर एक हमें आंगन देखने को मिला है, यानी यहाँ पर मकान के बीचों बीच में आंगन होता था। बड़े बड़े घर हैं उनके अंदर एक कुआ भी पाया गया है, शौचालय टाइप का भी पाया गया है, यानी यहाँ पर मकानों के अंदर शौचालय पाए गए हैं, रसोई घर पाए गए हैं,
आंगन है, रसोई घर है, शौचालय है, कुएं पाए गए हैं। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ का जो नगर नियोजन था और साथ में यहाँ के जो आवास पाए गए हैं वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे, और आज का जो अगर नगरीकरण हम देखते हैं उसकी तरह का यहाँ पर नगरीकरण हमें देखने को मिलता है। और जो आवास बने थे वो भी आधुनिक ढंग से, जैसे आज हम देखते हैं उस तरह का यहाँ पर आवासीय जो नियोजन है वो किया गया था। यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं और सीढ़ियों से अनुमान ये लगाया जाता है कि यहाँ पर जो आवास बने थे वो एक मंजिल से ज़्यादा मंजिल तक के बने हुए थे, ठीक है। तो बहुमंजिला इमारत भी यहाँ हमें देखने को मिलती है, और स्नानागार यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ के आवासीय स्थलों के अंदर बात करें तो कुछ सार्वजनिक स्थल भी पाए गए हैं, जैसे मान लीजिए स्नानागार है, बड़े स्तर के ऊपर पाए गए हैं मोहनजोदड़ो वगैरह में। यहाँ पर अन्नागार, जिसमें बड़े स्तर के ऊपर या बड़ी मात्रा में अन्न वगैरह सुरक्षित रख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर सफाई व्यवस्था की, तो सफाई में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ये आवास बना हुआ है और ये जैसे मकान सड़क की तरफ खुलता है, तो इसी के सारे सारे क्या है नालियां बनी हुई थी, इसी के किनारे किनारे क्या है जो आवास बना हुआ था उसके किनारे किनारे क्या है नालियां बनी हुई थी। और ये नालियां क्या है कि जो पत्थर और ईंट आदि के माध्यम से ढकी जाती थी, यानी जैसे आजकल हम जल निकास प्रणाली के लिए देखते हैं कि नालियां बनी होती हैं निकास प्रणाली हेतु, और उनको किसी सीमेंट द्वारा या फिर पत्थर द्वारा या ईंटों द्वारा ढक दिया जाता है, तो वैसा सिस्टम ही हमें हड़प्पा के शहरों में देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें तो ये नालियाँ क्या हैं, एक मैन होल में जाकर के खुलती हैं जहाँ सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से फिर उस पानी को या उस गंदगी को बाहर निकास के द्वारा निकासित किया जाता है या फिर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमें मैन होल टाइप की चीज़ें भी देखने को मिली हैं जो पानी को या गंदे पानी को इकट्ठा करती थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा का जो नगर नियोजन था वो उत्कृष्ट प्रणाली का था, वहाँ पर हमें आधुनिक जीवन जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पर जो शहर है, जो आवासीय स्थल है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक वो भाग है जिसमें शासक वर्ग रहता है और वो उच्च किसी चबूतरे टाइप के ऊपर बना हुआ है, दूसरा जो आवास है वो सामान्य वर्ग के लिए है जो नीचे के स्थल पर बना हुआ है। फिर हमने देखा कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं, और फिर हमने बात की यहाँ पर जो आवास बने हुए हैं उनकी क्या विशेषता है। तो आवासों के अंतर्गत हमने देखा कि सड़क के किनारे किनारे घर बने हुए हैं, और घरों के अंतर्गत बीच में आंगन मिला है, रसोई घर मिली है, शौचालय मिला है, स्नानागार मिला है, और बात करें तो यहाँ पर कुएं वगैरह मिले हैं, और उन आवासों के किनारे किनारे एक जल निकास प्रणाली भी देखने को मिली है जिसके अंतर्गत उसको सुरक्षित किया गया है पत्थर वगैरह या ईंटों के द्वारा, और जगह जगह के ऊपर मैन होल बने हुए थे जहाँ आकर के पानी इकट्ठा होता था और उसको फिर किसी और दूसरे माध्यम से बाहर निकाला जाता था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो शहरीकरण है वो जाल पद्धति पर या जिसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ग्रिड प्रणाली पर व्यवस्थित तरीके से बसाया गया था, जो आधुनिक हमारे जो शहर हैं
उनकी तरह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इस सभ्यता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता के ऊपर बात करते हैं, और वो विशेषता है यहाँ का राजनीतिक जीवन। यानी अगर बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में जो इतिहासकारों के बीच में मत हैं, वो मोटे तौर पर एक तो जो मत है वो शासक वर्ग को लेकर है, सॉरी सैनिक वर्ग को लेकर है, कि यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सैनिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। एक मत है कि यहाँ पर जैसे मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, मरण मूर्तियाँ, उसके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ का जो शासन है वो पुरोहित वर्ग के हाथ में रहा होगा। एक जो मत है वो ये है कि यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य है वो विश्व स्तर के ऊपर था या उत्कृष्ट प्रकार का था, समृद्ध थी ये व्यापार वाणिज्य के तौर पर, इस कारण से यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो व्यापारियों के हाथ में रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में स्पष्ट मत देखने को नहीं मिलता है, स्पष्ट मत देखने को नहीं मिलता है। यानी इतिहासकारों के पास में सिर्फ अनुमान लगाने के लिए ही है, वो अपने अपने स्तर पे अनुमान लगाते हैं, वैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर वो मोटे तौर पर कह सकें कि ये नेतृत्व, इनका जो राजनीतिक नेतृत्व है इन लोगों के हाथ में रहा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जो नेतृत्व है अगर वो सैनिक वर्ग के हाथ में है तो उसके पीछे तर्क क्या है, या फिर अगर नहीं है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो इतिहासकारों ने कोशिश की साक्ष्य जुटाने की, इनका राजनीतिक नेतृत्व ढूंढने की, लेकिन उसमें सफल नहीं होते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र ना मिलने से यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व सैनिक वर्ग के हाथ में नहीं रहा होगा। यानी इतिहासकारों ने कोशिश की सैनिक वर्ग के हाथ में नेतृत्व होने की, या ऐसे कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो शासक वर्ग होता है वो सैनिक वर्ग से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर भी कोशिश की लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या होता क्या है कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र देखने को नहीं मिलता है। इस कारण से जो सैनिक वर्ग है उसके हाथ में यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व नहीं रहा होगा। अब अगर दूसरी बात करें पुरोहित वर्ग की, यहाँ पर बहुत सारी मरण मूर्तियाँ पाई गई हैं जो पुरोहित वगैरह, या फिर जैसे जो पशुपति देवता हैं उनके समतुल्य देखने को मिलती हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पुरोहित वर्ग के हाथ में हो, लेकिन होता क्या है कि जो धार्मिक आस्थाएं हैं, धार्मिक आस्थाएं, उनमें एकरूपता देखने को नहीं मिलती है, एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से होता क्या है कि पुरोहित वर्ग के हाथों में भी यहाँ का शासन नहीं रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो स्थल पाए गए हैं वहाँ पर अंत्येष्टि की प्रक्रिया, या किसी प्रकृति के बारे में जो उनकी आस्था थी उसके बारे में, या किसी और देवता के बारे में जो उनकी आस्था है उसमें एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। तो इस
एकरूपता देखने में नहीं मिलने के कारण इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ का जो शासन है वो पुरोहित वर्ग के हाथों में नहीं रहा होगा। अब अगर बात करें व्यापारी वर्ग के हाथ में, यानी यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व है वो अगर व्यापारी वर्ग के हाथों में है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता है और बहुत सारे इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि अगर कोई सभ्यता व्यापार प्रधान है तो हो सकता है कि वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व भी व्यापार, जो व्यापार वाणिज्य या व्यापारी वर्ग है उसी के हाथ में रहा होगा। तो इस निष्कर्ष के ऊपर जो इतिहासकार पूछता है वो है राम शरण शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो रहा होगा व्यापारी वर्ग के हाथों में, ठीक है। और जो पुरोहित वर्ग के हाथों में यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व मानते हैं वो है एक और इतिहासकार A.L. Basam, यानी बासम सर के अनुसार यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो पुरोहित वर्ग के हाथों में रहा होगा। तो हमने बात की हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक नेतृत्व के बारे में और इसके अंतर्गत हमने देखा तीन चीज़ें देखी हमने कि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व सैनिक वर्ग के हाथ में रहा होगा, पुरोहित वर्ग के हाथ में रहा होगा या व्यापारी लोगों के हाथ में रहा होगा। तो सैनिक वर्ग के पीछे जो लॉजिक हैं वो सक्षम नहीं है क्योंकि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं पाए गए हैं, हमें यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र नहीं मिले हैं, इस कारण से इसको भी हम काट देते हैं। और व्यापारी वर्ग के हाथों में अगर यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व होगा तो ऐसा मत देते हैं A.L. Basam। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो धार्मिक आस्थाएँ हैं उनमें एकरूपता नहीं है, यानी अलग अलग स्थलों पर हमें अलग अलग तरह की धार्मिक आस्थाएं देखने को मिलती हैं जिस कारण से इसको भी हम नहीं मान सकते, ठीक है। और जो तीसरा बिंदु है वो है व्यापारी वर्ग का, और व्यापारी वर्ग को यहाँ पर ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो मोटे तौर पर है व्यापार वाणिज्य आधारित सभ्यता, यानी यहाँ पर जो व्यापार है या फिर जो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, समृद्ध हैं। इस कारण से इतिहासकारों ने, खास करके जो रामशरण शर्मा हैं, उन्होंने इसी को, यानी व्यापारी वर्ग को ही इस सभ्यता का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता माना है या यहाँ का शासक वर्ग माना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम अगला बिंदु है उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं और वो है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य अभी हमने चर्चा की कि जो यहाँ की हड़प्पा की जो सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है वो व्यापार प्रधान सभ्यता है। अब यहाँ की जो व्यापारिक क्रियाएं हैं या यहाँ पर जो व्यापार होता है वो किस तरह का है, किन देशों के साथ में होता है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मोटे तौर पर पत्थर, धातु व हड्डियों का व्यापार करते हैं, ठीक है। अगर बात आती है जो वस्तुएं यहाँ पर व्यापार के लिए चुनी जाती थी तो उसमें कीमती पत्थर हैं, धातु हैं कीमती धातु और हड्डियाँ वगैरह जैसे हाथी दांत वगैरह, इस तरह की चीज़ों को ये व्यापार के लिए प्रयोग में लेते थे। अब अगर बात करें तो जो इनका व्यापार करने का तरीका था वो था वस्तु विनिमय प्रणाली,
या कह सकते हैं आदान प्रदान प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब यहां पर सिद्ध यह होता है कि जब भी जहां पर जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम विनिमय प्रणाली आदान प्रदान करने वाली होती है, जैसे मान लीजिए कि नाई ने किसान के बच्चों के बाल काट दिए और किसान ने उसको जब फसल करती है तो उसको अनाज दे दिया, या किसी धोबी ने कपड़े धो दिए किसान ने उसको फसल कटने पर अनाज दे दिया, या किसी चमड़े का कार्य करने वाले ने किसी बनिया के लिए जूती बना दी और उसने उसको सामान दे दिया, ऐसे दोनों का क्या है वस्तुओं के आदान प्रदान के आधार पर व्यापार होता था या चीज़ों की लेन देन होती थी। अब इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर किसी प्रकार की मुद्रा का प्रचलन देखने को नहीं मिलता है। यानी व्यापार होता है लेकिन वो कैसा है, मुद्रा किसी प्रकार की जो मुद्रा होती है उसके माध्यम से नहीं होकर के, या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि वो व्यापार होता है वो किस तरीके से होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर। और अगर बात करें तो इस सभ्यता के जो व्यापार वाणिज्य की जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत ये लोग बंदरगाहों का प्रयोग करते हैं और दो पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसे साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए या दूसरे जो देश हैं उनसे व्यापार के लिए बंदरगाहों का प्रयोग कर रहे हैं और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए ये दो पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। व्यापार यहाँ पर कैसा हो रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली आधार पर, और ये व्यापार किस चीज़ का कर रहे हैं, पत्थर धातु हड्डियों आदि का, ठीक है। अब अगर बात करें कि इनके जो व्यापारिक संबंध हैं वो किन किन देशों के साथ हैं, या फिर ये चीज़ों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं उसमें मोटे तौर पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उनको समझने का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में जो सोना है, सोने का अगर यहाँ पर आयात हो रहा है तो वो मोटे तौर पर कर्नाटक से, या कर्नाटक की जो खाने हैं अभी जो कोलार की खान वगैरह हैं वहाँ से ये लोग सोना मंगाते हैं, और कुछ सोना इनका अफगानिस्तान और ईरान से भी आता है, ठीक है। अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पर चांदी बलूचिस्तान और ईरान वगैरह से आती है। अगर तांबे की बात करें तो तांबा यहाँ पर खेतड़ी की जो खान है राजस्थान में, खेतड़ी राजस्थान, वहाँ से आता है। और अगर बात करें यहाँ पर जो टिन आता है, क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता है वो कांस्ययुगीन है और कांसा बनता है तांबा और टीन से, तो यहाँ पर जो कांसा आता है वो बेसिकली वहाँ से अफगानिस्तान और ईरान से आता है यहाँ पर टिन, ठीक है। अब अगर बात करें जैसे सौराष्ट्र है तो वहाँ से यहाँ पर
गोमेदारा है या फिर मेसोपोटामिया है, वहाँ से लाजवर्द तारा है, तो यहाँ पर लाजवर्द आता है वो मेसोपोटामिया से, और यहाँ पर गोमेद ये आता है सौराष्ट्र से। तो ये मोटे तौर पर ये चीज़ें थी। एक धातु और है सीसा, यहाँ पर सीसा आता है वो आता है ईरान से। तो हमने देखा यहाँ पर जो व्यापार की वस्तुएं यहाँ पर हैं या फिर जिन चीज़ों का ये आयात करते हैं या निर्यात करते हैं उनके बारे में, और यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले सोना के बारे में। सोना यहाँ कर्नाटक से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, ईरान से आ रहा है। फिर हमने देखा चांदी के बारे में, तो चांदी यहाँ पर बलूचिस्तान से आ रही है, ईरान से आ रही है। फिर हमने तांबा के बारे में देखा, तो तांबा यहाँ खेतड़ी से आ रहा है, राजस्थान से। टीन की बात करें तो टीन यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान से आ रहा है। लाजवर्द की बात करें तो लाजवर्द यहाँ मेसोपोटामिया से आ रहा है। गोमेद की बात करें तो गोमेद यहाँ सौराष्ट्र से आ रहा है। और सीसे की अगर बात करें तो सीसा यहाँ पर ईरान से आ रहा है। इस तरीके से इनके जो व्यापारिक संबंध थे वो विश्व के कई देशों से जुड़े हुए थे, जो बंदरगाहों के माध्यम से या स्थल मार्ग से दोनों तरीके से व्यापार इनका होता था। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, और टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की एक अन्य विशेषता, लिपि। लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि, इनकी खुद की लिपि है, और दाएं से बाईं तरफ वो लिखी जाती है। चित्राक्षर लिपि है जिसको अंग्रेजी में बुस्ट्रोफेडन लिपि कहते हैं, लेकिन अभी तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिपि के बारे में, इस सभ्यता की स्योम की लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है जो लिपि है वो है किस प्रकार की, चित्राक्षर। चित्राक्षर लिपि है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन, बुस्ट्रोफेडन लिपि। लेकिन अभी तक हो क्या रहा है, इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। अगर इस लिपि को हम पढ़ लेंगे तो इस सभ्यता से संबंधित और कई पक्षों की जानकारी हमें मिलने लग जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी जो अगली विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं, और अगली विशेषता है हमारी आर्थिक। आर्थिक जीवन और कृषि संबंधित। ठीक है, आर्थिक जीवन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर भारत का, वहां पर एक तो क्या है, कृषि की पर्याप्तता है। ठीक है, कृषि पर्याप्तता है तो यहां पर क्या होगा, वर्षा की पर्याप्तता है। अब वर्षा की पर्याप्तता होने के कारण होगा क्या कि यहां पर जो कृषि है, कृषि की पैदावार अच्छी होगी, कृषि पैदावार अच्छी होगी। अब ये कृषि के अंतर्गत क्या है कि बहुत सारी फसलें बोते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, जौ, रागी, ज्वार, मटर आदि, यानी बहुत सारी फसलें हैं जिनको बोते हैं
और इनका जीवन है जो एक तरीके से अच्छा कह सकते हैं जिसको। और इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पहली बार देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए बात करें कि 1800 ईसा पूर्व हमें लोथल में चावल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और अगर बात करें एक और महत्वपूर्ण जानकारी की, कपास, तो कपास यहाँ पर एक स्थल है मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास उत्पादन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, 1800 ईसा पूर्व यहां पर लोथल में होता क्या है, हमें चावल के साथ से मिलते हैं, और कपास उत्पादन यानी लगभग 2500 BC के आसपास हमें मेहरगढ़ के अंदर कपास उत्पादन के साथ से मिलते हैं। और अगर मान लीजिए कृषि के अलावा अगर हम बात करें पशुपालन की, तो पशुपालन के अंतर्गत ये लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली ये सब पालते थे, और बोझा ढोने के लिए ऊंट और गधा, ऊंट और गधे का प्रयोग करते थे, और यहाँ पर गेंडा की भी जानकारी मिलती है कि सभ्यता के लोगों को गेंडा के बारे में भी जानकारी रही होगी। हाथी, इस सभ्यता के लोगों को हाथी के बारे में भी जानकारी थी। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि यहाँ पर जो वर्षा है वो पर्याप्त मात्रा में हो रही है, ठीक है। जहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी वहाँ पर कृषि क्या है, उसकी पैदावार अच्छी होगी, और कृषि की अच्छी पैदावार हो रही है तो इसके अंतर्गत ये लोग गेहूँ, बाजरा, जौ, रागी, मटर, ज्वार आदि की फसलें उत्पादित कर रहे हैं, और पशुपालन साथ साथ में ये लोग पशुपालन भी कर रहे हैं जिसके अंतर्गत बैल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, और बोझा ढोने के लिए ऊंट, गधा, गेंडा, हाथी, और इन लोगों को बाघ के बारे में भी जानकारी थी। यहाँ पर शेर के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन बाघ के बारे में ये लोग जानते थे, और कई जगह घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, जैसे लोथल है, सुरकोतड़ा है, तो वहाँ पर हमें घोड़े के साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इन लोगों का जो कृषि कार्य है या इनकी जो आजीविका के साधन हैं वो बड़े अच्छे ढंग के हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, और इस तरीके से इनके जीवन का जो संचालन है बड़े सुचारू ढंग से हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर या यहाँ का जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन एवं देवी देवताओं, धार्मिक जीवन एवं देवी देवता हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अगर हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें या धार्मिक जीवन की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ का जो जीवन है धार्मिक जीवन वो एक तरीके से इलौकिक और व्यवहारिक टाइप का है। इलौकिक का मतलब यानी इस जीवन में उनको क्या चाहिए एक सुखी जीवन के लिए, उस चीज को आधार बना करके वो देवताओं का चुनाव करते हैं या उन चीजों में विश्वास करते हैं जिनसे उनका जीवन या इस जो उनका सांसारिक जीवन है वो सफल हो सके। और व्यवहारिक चीज़ें हैं यानी कैसे उत्पादन ज़्यादा हो, कैसे आदमी सुरक्षित रहे,
और मतलब एक तरीके से ज़्यादा जो उनकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कैसे बढ़े, इन चीज़ों में, इन चीज़ों को लेकर के वो धार्मिक रूप से व्यवहारिक भी हैं। तो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो इलौकिक यानी उनको सांसारिक जीवन में विश्वास है, और दूसरा वो व्यवहारिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको क्या चाहिए इस चीज़ को आधार बना करके वो देवताओं में विश्वास करते हैं, और ख़ास करके प्रकृति पूजक हैं, यानी जो प्रकृति के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उन्हीं को वो आस्था का प्रतीक बनाने की कोशिश करते हैं या उनमें वो विश्वास करते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पर हमें क्या है, कई तरह की मृण मूर्तियाँ मिली हैं जो देवी देवताओं से संबंधित हैं, यानी बहुत सारे देवी देवताओं की वहाँ पर हमें मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे होता क्या है कि उनकी जो आस्था है धर्म में वो प्रकट होती है या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक और अगर बात करें तो हड़प्पा में, हड़प्पा के अंदर एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से एक वृक्ष का निकलना दिखाया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है यानी हड़प्पा के अंदर हो क्या रहा है, एक स्त्री मरण मूर्ति से वृक्ष का निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे अंदाज़ा क्या लगाया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पृथ्वी को, यहाँ के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे, यानी जो मृणमूर्ति है उससे साबित हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जो प्रकृति है उसमें उनकी गहरी आस्था है, और पेड़ पौधे या फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हीं को वो व्यवहारिक तौर पर मान करके या उनमें आस्था जता करके उसी में वो अपने जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं, या उसी के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से वो जीवन जीना चाहते हैं। और अगर देवताओं की बात करें तो यहाँ पर हमें पशुपति देवता, लिंग, योनि, पेड़ पौधे आदि में उनका विश्वास दिखाई देता है, धार्मिक विश्वास दिखाई देता है, और ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। यहाँ के जो लोग हैं वो पशुपति शिव, लिंग योनि, या लिंग योनि से तात्पर्य है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पत्ति की जाए या ज़्यादा जनसंख्या कैसे बढ़ाई जाए, अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में है। पेड़ पौधों को उन्होंने माना है, पेड़ पौधों से मतलब कि यहाँ पर प्रकृति से उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है। और अगर बात करें तो ये लोग तंत्र मंत्र में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ का जो धार्मिक जीवन है वो इलौकिक टाइप का है, व्यवहारिक है, प्रकृति में बहुत ज़्यादा इनका विश्वास है, कई तरह की यहाँ पर मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे, जो देवी देवताओं से संबंधित थी, और उससे वहाँ के धार्मिक विश्वास का हमें एहसास होता है या उसकी जानकारी मिलती है। हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से हमें एक स्त्री मृण मूर्ति के गर्भ से वृक्ष का निकलना दिखाया गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये लोग प्रकृति में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, और ये पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में मानते थे। और दूसरे अगर देवताओं की बात करें तो ये पशुपति नामक देवता में विश्वास करते थे, जो मोहन जोदड़ो से एक आकृति मिली है, मोहन जोदड़ो से पशुपति शिव जैसी आकृति मिली है। लिंग और योनि में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है या उसको देवता के रूप में पूजते हैं। पेड़ पौधे आदि में इनका धार्मिक विश्वास है,
और ये लोग तंत्र मंत्र में काफ़ी विश्वास करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।